अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है, मैं ऑटिज्म ट्रेनर हूं। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज देता हूं और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूं कि कैसे घर पे बैठ के अपने बच्चों को थेरेपीज दें। ये बासित बच्चा है माशाल्लाह, आपने इसकी वीडियोस देखी होंगी। इसकी माशाल्लाह हमने टंग इमिटेशन भी कराई है, थोड़ा सा इसको इस बार इसकी मूड इसका सही नहीं है, ऑफ है, तो उसमें भी हम करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको स्पीच का काम। तो माशाल्लाह इसने पहले, पिछली दफा मैंने आपको मामा और बाबा कराया दिखाया था, उसने वो माशाल्लाह वर्ड्स किए थे। अब माशाल्लाह वो ग्रॉस में ही अल्लाह भी कर लेता है और नाना भी कर लेता है, और साथ हमने उसको और भी साउंड्स वगैरह उसको कराई हैं, जैसे फ कराया, वो भी कराया। टंग इमिटेशन में भी हम डुअल पे काम कर रहे हैं, पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके वो भी ठीक हो जाएगा। तो अब माशाल्लाह टू वर्ड्स के बाद इसने अल्लाह भी बोलना शुरू सीख लिया और नाना भी सीख लिया। जरा काइंडली वॉच कीजिएगा, मैं इंप्रूवमेंट दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स की मेहनत के बगैर ऑटिस्टिक बच्चों की इंप्रूवमेंट नहीं होती। पेरेंट्स ने ही सारा काम सीखना होता है, चाहे वो स्पीच का काम है, ऑक्यूपेशनल का काम है, या आप एबीए थेरेपी दे रहे हैं, तो पेरेंट्स ने ही, और डाइट प्लान भी फॉलो करना होता है पेरेंट्स को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, और पेरेंट्स की काविश की वजह से हम लोग तो, या मैं भी क्यों नहीं, हम गाइड ही दे सकते हैं, गाइडलाइन ही दे सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस तो पेरेंट्स ने करानी होती है। जरा काइंडली वॉच करें, चूंकि 24 घंटे इस पे काम करने का नाम है। अब जरा देखिएगा, मैंने इसकी जो, हमने इसकी जो टंग की रही है, ये देखिएगा, इस अंदाज से यही। बाद में पेरेंट्स, शाबाश, बाद में पेरेंट्स ने इसी की, जो मैं अभी तो फिंगर के टच के साथ करा रहा हूं, तो बाद में ये हमारा जो टच है ये भी फेड होता है, ये इमिटेशन के साथ कर लेता है। लेकिन पेरेंट्स ने माशाल्लाह इस पे मेहनत कराई है, जैसे उसको थोड़ा सा कराया, उसको कराया है, तो उसको कराए को भी हमने उसको काम करना है इसके साथ। और जब भी बच्चे का कराया हो तो आप उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट बिट्स में दें, और साथ ना वर्बल दें ना आई कॉन्टेक्ट दें, जैसे कराया उसका काम हो जाता है उसके बाद उसको उससे काम कराया। जरा देखिएगा, मामा मामा, आप देखिए, आप उसके बाद देखिएगा अल्लाह बुलवाऊंगा उसको, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, शाबाश, फिर से बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर से बोलो अल्लाह अल्लाह, भी बोलना चाहिए। अब देखेगा, मैं उसको नाना कराऊंगा, तो कराया पेरेंट्स ने है, लेकिन गाइडलाइन हमने, मैंने दी है, बाकी पेरेंट्स की मेहनत है। पाचला नाना, हाँ शाबाश, क्योंकि मेरे साथ उसकी पेरिंग, सबसे ज्यादा पेरिंग उसकी पेरेंट्स के साथ है, तो कोई बात नहीं, उसको बार बार कराएंगे, बार बार कराएंगे, तो जब जब वो कराया करेगा तो मैं उसको कराए के ऊपर भी काम करा। उसके लिए क्या देखा, अगर ज्यादा कराया कर रहा है, बाकी बिहेवियर पे भी हमने साथ साथ, तो मैं क्या करूंगा, खड़ा भी हो जाऊंगा। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी कराया करें बिट्स में टच दें, और इसकी तरफ ना फेस करें ना बॉडी इसकी तरफ करें, और वॉक करते रहे। इसकी दूध पिलाने की वीडियो में भी इसने कराया किया था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि आपने एबीए थेरेपी भी चल रही है, प्लस उसकी स्पीच थेरेपी भी हो रही है। इस अंदाज़ जैसे उसको माशाल्लाह कराया चुका, वेरी गुड, शाबाश, अब बोलो नाना नाना, बोलो नाना, हाँ नाना, चुप, बोलो बोलो शाबाश, नाना नाना, हाँ नाना नाना, हाँ शाबाश, फिर से बोलो अल्लाह 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 अल्लाह, प्लस हमने उसको कंप्लायंस भी करानी है, क्योंकि मदर के साथ, पेरेंट्स के साथ उसकी पेयरिंग है, लेकिन मेरे साथ चूंकि नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसको बिट्स बिट्स में एबीए पे भी करा रहा हूं, उन्हीं की कंप्लायंस लेता होता हूं। हमने जब भी काम करना होता है पेरेंट्स की कंप्लायंस में लेना होता है, क्योंकि 24 घंटे का काम है। फिर से बार बार कराई करेगा तो फिर इसको टच करेंगे, टच लेके, ताकि अच्छा कराए, जीरो भी हो जाए, लेकिन टच भी करते रहना और वर्बल नहीं बोलना। जैसे माशाल्लाह उसका चुप हुआ, शाबाश, वेरी गुड मामा, शाबाश मामा, हाँ वेरी गुड, शाबाश मेरा प्यारा बेटा, नाना हाँ नाना, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह बेटा, मुझे कराया क्यों, फिर से उसका कराया है, यानी बिहेवियर्स पे भी आपने काम करना है, प्लस उसको बच्चे को स्पीच भी करानी है। अब जैसे इसको जैसे उसका बिट्स में खत्म भी होगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस अंदाज से आपने बिहेवियर पे भी, सबसे पहले बिहेवियर पे काम करने का ये तरीका करता है, आप उसको थोड़ा सा टच भी देते रहे और आप वॉक भी करते रहे।
हमें तो ज्यादा देर जहां पे आपको कंप्लाइंस ज्यादा मिले तो वहीं पे हमें इस पोजीशन में करके ठहरा। देखो उसका बिहेवियर ऐसा ऐसा करके काम भी हो रहा है। अगर मैं उसी पोजीशन पे बैठा रहूंगा तो हमारी पोजीशन भी रेपिटेटिव बन जाती है इनके लिए। हमने अपनी पोजीशन को चुका, आज उसका पहला दिन यानी मदर ने तो कराया उसको, माशाल्लाह महीने से करा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस पे स्पीच पे काम, लेकिन आज मैं इसको पहले कराऊंगी कंप्लायंस से, क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन इसकी कंप्लायंस वेरी करती है। शाबाश, जैसे उसका चुप हुआ फिर मैं उसके आंसू भी साफ करूंगा साथ। उसके बाद मैं खुद से टिश्यू लेके ये भी एज ए प्रॉम्प्ट उसके आंसू साफ करूं ताकि उसके लिए जो उसका किराया है वो खत्म हो जाए। क्योंकि अगर वो अच्छी तरह से देखेगा नहीं मैं पीछे ठहर के पीछे ठहर के वो करूं ताकि उसके उसका ये भी मेन बच्चों का ये भी रैपिड होता है, हम किराया करें बार बार टेयर्स निकाले थे, हमने उसको साफ भी करना होता है। स्टार्ट में हम साफ नहीं भी करते लेकिन बाद में साफ दे देते। थोड़ी देर पहले मैंने साफ नहीं किया था, मैंने उसको बकायदा टेयर्स साफ कर लिया, उसका रेपिडेटिव बना था। अब से बोलो अल्लाह शाबाश, अल्लाह शाबाश, अल्लाह 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 शाबाश, नाना 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 शाबाश। अब जब चूंकि मेरा उसका सामने बैठना रेपिटेटिव वाला था, मैंने स्टैंडिंग के साथ चूंकि हमने स्टैंडिंग वॉकिंग डिस्टेंस फेड करके प्रेजेंस एब्सेंस सब में कराना होता, बस लो कर अल्हम्दुलिल्लाह और उसका बिहेवियर भी काम हो रहा है। जब जब वो कर थोड़ा सा भी कराया करेगा तो मैं उसको आंसू भी उसके साथ ये मैं ऐसे प्रॉम्प्ट यूज करूं, नाना नाना अल्लाह 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 अल्लाह। देखिए माशाल्लाह अल्लाह भी बोल रहा है नाना भी बोल रहा है। अब इसके साथ मैंने एक और भी साउंड आज इसको कराई फोक कराई है। डिटेल वर्क तो मैंने अब्दुल्ला की वीडियोस में दिए हुए हैं जो लेक्चर नंबर 92 से लेके ऑनवर्ड्स 92 से लेके ऑनवर्ड 109 तक जा रहे हैं। उसमें मैंने कंसेप्चुअली बताया कि स्पीच के लिए क्या तरतीब होनी चाहिए फोनिक्स और सिलेबस के साथ। जैसे जाके उसने कराया किया मैंने फिर से उसको टच दे दिया। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ग्रॉस भी आपने काम बच्चों को नए नए वर्ड्स भी सिखाते रहना है, प्लस वो फोनिक्स वगैरह पे और सिलेबस पे भी बाकायदा तौर पर काम करना है, वो मैंने सारा बताया है। आप उसकी डिटेल में देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जिन पेरेंट्स को नहीं आप 88 लेक्चर से लेके 109 लेक्चर तक सारा वॉच कीजिएगा तो उसमें मैंने सारा बताया हुआ है। अब जब देखिए जैसे जब कराया कर रहा हो तब उसे ना बोल रहा है। अब जब मैं पूछूंगा अल्लाह शाबाश अल्लाह 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 नाना नाना मामा मामा माशाल्लाह ना। अब मैं इसको फा फा करवाया हुआ अच्छा वो देखेगा। अब देखिए जैसे जब जब वो क्राई करेगा मैंने उसको टच कर दिया ताकि आपको टच पे करें और ना वर्बल बोले ना आई कॉन्टेक्ट दें ना फेस उसकी तरफ करें। सबसे बेहतरीन यानी एबीए पे भी काम करते रहना है साथ उसको स्पीच भी करानी है। जहन रखें जब तक ये तमाम जितने भी थेरेपिस्ट होते हैं जब एक दूसरे की जब तक डोमेन में काम नहीं करेंगे तब तक ये बच्चे ये टीम एफर्ट है। डोमेन में एक दूसरे के डोमेन में काम करेंगे तो आप बच्चों को इंप्रूव और रिकवर कर सकेंगे। अब देखिए मेरे एबीए में भी कर रहा हूं प्लस उसको स्पीच भी करा रहा हूं। अब जरा देखिएगा हाँ पा फा कर अब इसके फा के बाद में फा फा भी आएगा फा फा आएगा फुक फो फुफी ये सारे लाग फा से स्टार्ट है उसकी भी साउंड मार्शल कर रहा है। अब जरा देखिएगा उसको ख भी कराया है ख ख ख ख ख क अब ये क ख नहीं कर रहा ग कर रहा है तो मैं वर्ड से देखिए ग ग हाँ शाबाश वेरी गुड बेटा। इस अंदाज से नहीं बार 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 उसको टच भी कर रहा हूं टच करके पीछे भी फौरन रहा हूं ये अब मैं बीयर पे भी काम बच्चा क्राई करेगा। जहन में रखें जब भी ऑटिस्टिक बच्चों को कराते हैं पर उसको आदत नहीं होती हैबिट नहीं होती तो वो जब नई चीज सिखाते हैं तो क्राई करता है लेकिन वो क्राई बच्चे का खत्म भी हो जाता है। उसका अंदाज स्टार्ट में यही अंदाज होता है जब जब बच्चा क्राई करे आप उसको टच करके चाहे आपको हजारों दफा ऐसे टच देने पड़े जब जब भी कराए आप देखिए माशाल्लाह स्मूथली बैठा है। चूंकि मेरे चूंकि पेरेंट्स की जो 24 घंटे बच्चा पेरेंट्स के बाद होता है पेरिंग उन्हीं की होती है मैं उन्हीं की कंप्लाइंस ले रहा हूं उसको मैं उसको उनको सिखा रहा हूं फिर मैंने उसको टच देके छोड़ दिया।
पीछे देखें, पीछे कराया देखें, पीछे छोड़ जितना भी ज्यादा कराया कर मैं उसको आंसू बहाना चाहता हूँ, आंसू को निकलने नहीं देता, उससे पहले उसके टिश्यू से साफ कर दो, ये उसका रेपिटेटिव है। ठीक है, बार बार वो चुप भी हो रहा है और माशाल्लाह क्राई भी कर रहा है, बार बार चुप भी हो रहा है, क्राई उसका रेपिटेटिव ऐसी बात है, उसको जब जब बार बार कराया गया है, हर डिसऑर्डर के साथ उसका वोकल स्टिमिंग अटैच है, क्राई अटैच है, बॉडी की मूवमेंट की भी स्टिमिंग है, वोकल भी, आई बॉल की भी स्टिमिंग है, सेंसरी भी है, ऑब्सेशन भी है, हर डिसऑर्डर के साथ अटैच है। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, मेरे पे बैठा, बार बार इसी तरह से अल्लाह, नाना, बाबा, मामा, ख और फ बोल रहे, ये अभी तक इन साउंड की इमिटेशन हुई है बार बार, लेकिन प्रैक्टिस पेरेंट्स कराएंगे तो इंशाल्लाह हर लफ्ज बोलेगा। आप जरा फिर से काइंडली वॉच कीजिएगा, ये देखिए माशाल्लाह, अल्लाह शाबाश, अल्लाह शाबाश, अल्लाह शाबाश, अल्लाह, नाना नाना, मामा मामा, शाबाश। अभी जैसे अब ये फॉ कराऊंगा, ये पा पे आगे नहीं, बार बार दोबारा बार बार कराऊंगा तो चूंकि अभी इसका क्राई भी है साथ, अब आगे देगा ग ग ग हाँ शाबाश, ग ग हाँ शाबाश, मेरा फेवरेट है शाबाश। इस अंदाज से आप बार बार प्रैक्टिस कराएंगे, पहले विदाउट चेंज, चेंज के साथ, वन चेयर, सेकंड चेयर, थर्ड चेयर, फिर से देखिए कराया करना शुरू कर दिया, फिर उसको कराए पे और उसको टच भी दूंगा और साथ टच देते रहना है, जितनी दवा कराए करे, मैं कहता हूँ 1000 दवा कराए करे, आप बस टच देते हैं फिर से बैठ, चूंकि उसकी सीटिंग तो माशाल्लाह हुई भी है। आप इसी तरह से बच्चों के ऊपर खूब मेहनत करें, नए नए वर्ड्सों को सिखाएं, सिलेबस और फोनिक्स सिखाएं, एबीसी के जितने भी सिलेबस बनते हैं और जितने उसके फोनिक्स बनती हैं, वो सारे साउंड्स निकलवाएं जो मैंने पहले बता चुका हूँ अब्दुल्ला की वीडियोस में, तो आप भी अपने बच्चे को इसी तरह से इंप्रूव करेंगे। जरा फिर से देखिए, मैं किराए पे काम कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी कुछ लर्न करने को मिला होगा, आप भी अपने बच्चों के साथ खूब मेहनत करें तो आपके बच्चे भी इम्प्रूव और रिकवर होंगे। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह आपको हमेशा से रहे, अल्लाह हाफिज़।